नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं सूरज कुमार। पटना में बैठकर अमेरिका में ठगी करने वाले एक गिरोह का पटना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अभी हम मौजूद हैं दिघा थाना में और दिघा पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने पटना में बैठकर एक कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिका के सीधे साधे लोग, अमेरिका के लोगों से ठगी किया करते थे। दिघा पुलिस ने छापेमारी करके 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और पटना के CTSP अमरीश राहुल ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। साइबर फ्रॉड से संबंधित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहा था। 17 तारीख को यानी कल सुबह में 7 बजे दिघा थाना क्षेत्र दिघा पुलिस के द्वारा 3 लोगों को पहचान किया गया जो संदिग्ध अवस्था में थे। उनसे पूछताछ की जाने लगी, उनका मोबाइल चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें 2-3 ऐप जो इस तरीके के कामों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ, ये सारे ऐप उनके मोबाइल में मिले। उसके बाद जब उनके द्वारा फर्दर चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नाम जैसे कि डैमियन, फ्रैंक, मार्टिन नाम से ईमेल आईडी बना हुआ है और प्रोफाइल बना हुआ है और ढेर सारे US के नंबर पर कॉल किए गए हैं। कॉल इधर से गए हैं, रिसीव भी किए गए हैं और उनका जब व्हाट्सएप चेक किया गया तो देखा गया कि ढेर सारे ट्रांजेक्शन का फ़ोटो उसमें मिला कि डॉलर्स में ट्रांजेक्शन किया जा रहा था। तो इन्हें संदिग्ध महसूस हुए तीनों अपराधी और उन्हें थाने पर लाया गया। जब थाने पर लाकर उनसे पूछताछ किया गया अच्छे से तो उनके द्वारा बताया गया कि एक पिंटू सिंह जो मनेर का रहने वाला है उनके गैंग का सरगना है। इसमें यहाँ पर कुल उसके अलावा 7 लोग काम कर रहे थे जिसमें ये 3 लोग हैं। इनके द्वारा रैंसमवेयर और मालवेयर जो है वो अमेरिकन कस्टमर्स के कंप्यूटर पे डाउनलोड करा दिया जाता था जिसके कारण उसके कंप्यूटर में कुछ खामियां आ जाती थी। उसके बाद पॉर्न वेबसाइट और उसी तरीके के अदर वेबसाइट्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर केयर का नंबर उसमें पुश करते थे जिसमें वहाँ के लोग जो सीधे साधे होते थे वो बेवकूफ़ बनकर इनको इस नंबर पर कॉल करते थे। ये सारे नंबर इंटरनेट से संबंधित होते थे और इनको ये रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ जैसे ऐप पर इनको ये कॉल रिसीव करते थे। उसके बाद उन्हें बरगला कर, भला फुसला कर, इंग्लिश में बात करके ये लोग उनके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एनी डेस्क नाम का ऐप डाउनलोड करा लेते थे। उसके बाद उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। फिर कुछ फर्जी तरीके से कुछ भी छोटा मोटा काम करके बोलते थे कि ये चूंकि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है इसके लिए हम आप लोगों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और उस सॉल्यूशन को आपको पैसे देना पड़ेगा। इनका एकलौता मकसद होता था किसी भी तरीके से उनसे पैसा ले लिया जाए। ये 5 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 2 महीने का प्लान करके जो जितना भी दे सकता था उस हिसाब से उसको प्लान को सेल करते थे और उसके बेसिस पे ये डॉलर्स में अमेरिकी बैंक अकाउंट में ही पैसों को मंगवाते थे और फिर वहाँ से विभिन्न लेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए वो पैसा इंडिया में आता था। ये जो 3 लड़के पकड़ाए हैं ये 3 लोग पूर्व में भी इस तरीके का काम कर चुके हैं। एक रवि नाम के लड़के के साथ इन्होंने नोएडा में काम। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ताजा मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र से सामने आया है जहां पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार साइबर अपराधी पटना में बैठकर विदेश में अमेरिका के लोगों को पटना कॉल सेंटर से डेटा भेजकर ठगी करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आया साइबर ठग कोलकाता का रहने वाला है। बता दें पुलिस ने इसके पास से 10.5 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने मनेर के पिंटू सिंह नामक युवक के नाम का खुलासा किया है जो इस साइबर ठगी गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मिली जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों से पुलिस को करोड़ों की अवैध संपत्ति की जानकारी मिली है। दरअसल साइबर ठग कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर भेजकर फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर लोगों को अपने झांसे में लेते थे। हैरत की बात है कि इन साइबर अपराधियों ने अमेरिका में बैंक अकाउंट फर्जी दस्तावेजों पर खोल रखा था जिसके माध्यम से डॉलर को इंडियन बैंक में ट्रांसफर करवाते थे। ठगी के पास से 18 लाख के ज्वेलरी का रसीद और 50,000 जमा रकम को
रसीद भी बरामद की गई है। साथ ही साथ अलग अलग बैंकों का पासबुक बरामद किया गया है। पुलिस इसके अकाउंट को फ्रीज कर पासबुक में जमा रकम की जांच कर रही है। गिरोह का सरगना पिंटू सिंह समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं इस गैंग के कुल 7 साइबर अपराधी के द्वारा पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर खोल साइबर ठगी के धंधे को ऑपरेट किया जा रहा था। ये लोग एक चाय की दुकान पे ये लोग 3 लोग खड़े थे, संदिग्ध लगे पुलिस को, लगे कि ये लोकल नहीं है, सुबह 7 बजे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसी में पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उनका चेक किया तो ये मोबाइल मिल गया साथ में, और जब मोबाइल मिल गया तो मोबाइल में इनके सारे काले कारनामों का उसमें एविडेंस था। बाहरी करेक्शन क्या है? चूंकि सारा का सारा फ्रॉड जो अभी हुआ है वो अमेरिका से हुआ है और अमेरिका के मल्टीपल अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ है और फिर वहां से भारत लाने की जो विभिन्न तरीके की विभिन्न तरीके के माध्यम को जो इन लोगों ने उपयोग किया है उससे क्लियर कट है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग तो बस अभी पकड़ा गए हैं, हमें इसमें और आगे अधिक सफलता मिलने की संभावना है। सर, ये जो अमेरिका के खाते में पैसा मिला है, तो वो खाता कौन? अभी तक हमें नहीं पता चल सका है। कुछ अगेन वो अमेरिकन लोगों के ही खाते होते थे, फिर वहां से एक खाते से दूसरा खाता, मल्टीपल खाते हैं, एक ही खाता ऐसा नहीं है जिसमें एक खाता में मंगाया गया है, कई खाते हैं जिसमें पैसे आते हैं और फिर उससे कई अलग खातों में जाते हैं और फिर उसी तरीके से एक एक करके छोटे छोटे अमाउंट से वो इंडिया में आते हैं। इनके द्वारा एक एक आदमी से $15,000-15,000 भी ठग लिया गया है। मास्टर माइंड कौन है इसमें? जो ये कॉल सेंटर चला रहा है इसका मास्टर माइंड जो है वो पिंटू सिंह है, मनेर का रहने वाला, जो अभी फरार है उसके घर में ही रेड हुआ है और ये सारी की सारी दस्तावेज और कैश अमाउंट जो है वो हमें बरामद किया गया है। एक चीज बताइए कि जैसे अगर मामला अमेरिका से जुड़ा है, इसमें जांच आगे कैसे हुआ है, अकाउंट वगैरह कैसे वेरीफाई करेंगे? हमारे पास जो इनके द्वारा ये पेन ड्राइव्स मिले हैं, जो CPU मिला है, इसमें से हम डेटा निकालेंगे और उस डेटा पे फिर हम देखेंगे कि ये जो डेटा इंसर्ट है इसमें कौन सा अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में पैसे कहाँ से आए, फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट नंबर है, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से CTSP अमरीश राहुल ने बताया कि यह 3 लोग पटना में बैठकर अमेरिका के सीधे साधे लोगों को किस तरीके से एनी डेस्क नाम के एक ऐप के माध्यम से ठगी करते थे और उनको बताया जाता था यहाँ से उनको कि आपके सिस्टम में वायरस है और वायरस के नाम पर कुछ प्लान दिया जाता था और उस नाम पर पैसे की उगाही की जाती थी। तो इनका साफ तौर पे एक ही मकसद रहता था कि किसी भी तरीके से, और चूंकि CTSP ने यह भी बताया कि इन लोगों ने कई तरह के ईमेल आईडी विदेशी नाम से, जैसे मार्टिन लूथर वगैरह, जिस तरीके से खोल कर रखा था और यहाँ से फ़ोन करके और उन ठगी किया करते थे। तो इनका एकमात्र उद्देश्य था कि पैसे की ठगी करना और साइबर क्राइम के माध्यम से। तो साइबर क्राइम के माध्यम से इन्होंने ठगी किया और पटना पुलिस ने इसका उद्भेदन किया। पटना से UP News के लिए सूरज कुमार।